आतंकियों की आ गई शामत, ना भूलेंगे ना बख्शेंगे, जवानों की शहादत का लेंगे बदला, आतंकियों की उल्टी गिनती शुरू। इतिहास गवाह है, आतंकियों ने जब जब भारत को जख्म दिए हैं, तब तब भारत ने पलटवार किया है, ऐसा पलटवार कि आतंकियों की शामत आई है। भारत की एक आदत है, भारत ना कभी भूलता है ना ही कभी बख्शता है। इस बार भी भारत जवानों के खून के एक एक कतरे का हिसाब आतंकियों से जरूर लेगा। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी वारदातें बढ़ी हैं, वो गवाही दे रही हैं कि लोकतंत्र में बढ़ती लोगों की भागीदारी से आतंकी बौखला गए हैं, दहशत फैलाने के लिए कायराना हरकत पर उतर आए हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद 7 आतंकी वारदातें सामने आ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले के बाद अब आतंकियों ने उधमपुर के बसंतगढ़ में पुलिस चौकी पर हमला किया। जानकारी के मुताबिक 3 आतंकी बड़ी तैयारी के साथ गोला बारूद लेकर आए थे, लेकिन जब उन्हें सुरक्षा बलों ने करारा जवाब दिया तो आतंकी जंगल की ओर भाग निकले, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इससे पहले आतंकियों ने कठुआ में सेना की गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे। एक बात तो तय है कि आतंकियों की हर कायराना हरकत का हिसाब होगा, लेकिन आखिर जम्मू में आतंकी हमले क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे की वजहों को तलाशना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि यहां चुनाव हो, लिहाजा वो अब कायराना हरकत पर उतर आए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो अब कश्मीर के बजाय जम्मू में ज्यादा आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले साल भी जम्मू में 43 आतंकी वारदातें सामने आई थी। साफ है आतंकियों में बौखलाहट है, लेकिन अब बारी आतंकियों के साथ साथ आतंक के आकाओं को सख्त संदेश देने की है, ये बताने की है कि अगर भारत की ओर आंख उठाकर देखा तो दहशतगर्दों को कब्र भी नसीब नहीं होगी। स्पेशल रिपोर्ट, TNP न्यूज़।